हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूं। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट किए थे। ये हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम लोग उसी चीज़ को अभी प्लेन मिरर में मैंने आप लोगों को दिया था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने दिया था कि नेक्स्ट क्लास में इसको देख करके आइएगा, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। और उसके बाद हम लोग आज फिर स्फेरिकल मिरर पर फिर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैंने दिया था, ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि इन द डायग्राम शोन ऑल द वेलोसिटीज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर टू। द मिरर वन फॉर्म्स एन एंगल बीटा विथ वर्टिकल। देखो ये मिरर वन है ना, और ये मिरर टू है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग पैरेलल टू मिरर टू एंड मिरर वन इज मेकिंग एंगल बीटा विथ वर्टिकल, है ना। ये एंगल जो है बीटा एंगल जो है यहाँ पे बना रहा है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब मिरर में हम स्पीड की बात करते हैं, तो एक चीज़ तो हमको ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर जो बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है दैट इज टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, या इसको ऐसे लिख लें, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय टू। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज एक्चुअली एवरेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है अगर हम वी आई को अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो वी आई इज इक्वल टू टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो है वी आई वी एम वी नॉट ये सब किसके साथ रखे जाएंगे, साइन के साथ। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार कैलकुलेट कीजिए, फाइंड आउट आंसर अगर आपने किया हो तो। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग एक और चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो हम ये वेलोसिटी लिखे हैं ये तब वैलिड है, यह तब वैलिड है जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मिरर के देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड। बट व्हेन इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी सेम एंड रिमेन्स पैरेलल टू द मिरर। हमारे यहां जो सिचुएशन है यहां पे जो सिचुएशन है देखो यहां पे इसका अगर हम इस ऑब्जेक्ट का अगर हम मिरर इमेज बनाए इसके द्वारा जो इमेज का इमेज तो बना सकते हैं। इमेज कहां पे होगा, यहाँ पे कहीं इमेज होगा। ये जो है किस मिरर से बन रहा है, M2 है तो इसको हम लिख लिए I2 इज द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू मिरर 2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अगर, ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस लाइन को अगर हम इधर एक्सटेंड करें तो यहाँ जो है कहीं I1 बनेगा। I1 क्या है, I1 इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू मिरर 1, है ना। अब लेकिन इसकी कैसे हम वेलोसिटी हम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका कंपोनेंट ले लें। तो ये देखो अगर मैं इधर कंपोनेंट ले लूँ, ये V का कंपोनेंट एट बीटा एंगल पर, तो ये कंपोनेंट जो होगा इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं।
तो यहाँ पर जो इमेज होगा, यहाँ पर अगर बोले तो ये वी है, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस बीटा, कितना हो जाएगा वी कॉस बीटा, तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना रह जाएगा, वी कॉस बीटा होगा कि नहीं, ये भी कितना रह जाएगा वी कॉस बीटा। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये अगर दूसरे कलर से देखें तो ये वाला, ये कंपोनेंट जो है दिस इज परपेंड, ये कैसा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कितना है, वी साइन बीटा, वी साइन बीटा। अच्छा मिरर रेस्ट में है तो यहां पर जो इसका होगा ये वाला, ये भी कितना होगा, वी साइन बीटा। तो I1 की वेलोसिटी हमने दो डायरेक्शन में लिख ली, एक जो है पैरेलल टू द मिरर वन और एक जो है परपेंडिकुलर टू द मिरर वन। नाउ I2 यहां पर अगर देखें तो I2 जो है इमेज, ये मिरर जो है कौन सा M2, इसके लिए यह वेलोसिटी जो है दैट इज पैरेलल, इसलिए यहां पर जो होगा कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, V। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहां से अगर देख ले, यहां से तो यहां पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, देखो क्या निकालना है, इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन, ये है ना, यानी कि वी वेलोसिटी ऑफ इमेज आई वन विथ रेस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर टू वी आई टू, वी आई टू। नाउ दिस इज सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, अब वेक्टर जो है वेक्टर एडिशन का ये चीज हो गया, तो एक बार इसको कैलकुलेट करके बताएं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करके इसको बताएं कि कितना आंसर होगा, टेल मी। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, देखो इधर, यहां पर जो है इस V का कंपोनेंट बीटा एंगल पर ले लो, ये है ना। अब ध्यान दो, ये वाली जो चीज है यहां पर, ये भी कितना है, बीटा एंगल वर्टिकल से, देखो वर्टिकल से ये बीटा है, तो ये भी वर्टिकल से कितना है, बीटा एंगल है। यहां पर इसको बीटा एंगल से हम अगर कंपोनेंट लें तो ये कितना आ जाएगा, वी कॉस बीटा, कितना आ जाएगा, वी कॉस बीटा। इसका वी का दूसरा कंपोनेंट लें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, वी साइन बीटा होगा कि नहीं। अब देखो अगर हम इसी डायरेक्शन में बात करें विच इज पैरेलल टू एम टू, तो यहां पर अगर देखें तो ये भी वी कॉस बीटा है और ये भी कितना है, वी कॉस बीटा है। तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, हम अगर बीटा एंगल पर देखें तो वी आई वन आई टू इन द डायरेक्शन ऑफ बीटा किस से, वर्टिकल एंगल से, वह कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर हम यहां पर देखो, अब ये जो है परपेंडिकुलर जो है M2 के यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, V I1 I2 एट 90 माइनस बीटा एंगल पर जो डायरेक्शन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, V I1 माइनस V I2। अब V I1 जो है कितना होगा, V I1 कितना है, V I1 जो है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर देखो अगर ध्यान से देखें तो ये कितना है,
उसको देखो ध्यान से, हमको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, I2 के रेस्पेक्ट में। तो वी आई वन माइनस वी आई टू, वी आई वन कितना है इस डायरेक्शन में, देखो कितना है वी साइन बीटा, और क्या निगेटिव ले लें तो ये हो जाएगा वी साइन बीटा। अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लें तो ये वाला डायरेक्शन निगेटिव होगा, दैट इज माइनस माइनस वी साइन बीटा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू टाइम्स वी साइन बीटा। तो एक कंपोनेंट जीरो हो गया, दूसरा कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी टू वी साइन बीटा, यानी कि वी आई वन आई टू विल बी इक्वल्स टू कितना, अगर हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं तो ऐसे आएगा, ये होगा है ना, ये होगा और ये टू भी साइन बीटा के बराबर होगा, और इस कंपोनेंट में इधर वाला जो है वह कितना आ गया है जीरो, तो नेट जो होगा दैट इज टू वी साइन बीटा। कहीं है ऑप्शन में टू वी साइन बीटा, यस यहाँ पे है टू वी साइन बीटा। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो इस ये मिरर में स्पीड को हम पैरेलल को देखें परपेंडिकुलर को देखें इन दोनों कंपोनेंट को लेकर के चलता है, साथ साथ वेक्टोरियल फॉर्म जो है वो भी हमको समझ में आना चाहिए कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को करें, उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन है। अ प्लेन मिरर प्लेस्ड अलोंग एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में प्लेन मिरर रखा हुआ है मूविंग विथ वेलोसिटी थ्री माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस फोर के। यह जो प्लेन मिरर है वह उसकी स्पीड बता रहा है माइनस थ्री आई प्लस फोर प्लस फाइव जे माइनस फोर के। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इज मूविंग विथ वेलोसिटी माइनस टू आई माइनस फोर जे प्लस फोर के, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तुरंत एक्स वाई जेड एक्सिस बना लो, कौन सा बोल रहा है प्लेन, एक्स जेड, एक्स जेड बोल रहा है। तो ये मान लो कि एक्स है और ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ऐसा हम ले लेते हैं, ऐसा ले सकते हैं ना। तो ये वाला जो प्लेन है, ये जो है ये क्या है मिरर है, यही जो है हमारा मिरर है ना। अब इस ये बोल रहा है कि ये मिरर जो है, सॉरी ये एक्स जेड प्लेन में बोल रहा है, सॉरी एक्स जेड प्लेन बोल रहा है ना, तो एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, ये 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 होगा एक्स जेड प्लेन ऐसे। अब बोल रहा है कि ये इसकी जो वेलोसिटी है मिरर की वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है दैट इज माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस फोर के है। अब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके सामने रखा हुआ है, मान लो कि इधर ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी वेलोसिटी जो है देखो माइनस टू आई, टू आई किधर होगा इधर है ना, तो इधर ले लेते हैं कितना, ये माइनस टू आई है तो ये इधर जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये समझ में आ रही बात, मतलब आई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एक्स ये है ना, तो अब माइनस टू आई किधर होगा इधर होगा, तो इधर टू है, समझ में आ रही बात। जे जे कंपोनेंट किधर है, जे इधर है तो ये माइनस में है तो इसका मतलब इधर होगा, ये फोर है, और क्या बोल रहा है के कंपोनेंट, के कंपोनेंट किधर है इधर है तो इधर जो है फोर है। उसी तरह से मिरर का भी हम ऐसे लिख सकते थे कि अगर ये मिरर है तो मिरर का कितना कितनी वेलोसिटी है, आई की तरफ कितना है, आई की तरफ देखो इधर
ये 3 है, जे में कितना है, जे में इधर देखो प्लस है तो 5 है ना। और अगर दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये 5 है, और अगर हम देखें के में तो के किधर होगा, माइनस के देख रहा है, तो माइनस के का मतलब कि इधर इधर, और ये कितना है, ये है 4, मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन में हमने दे दिया। अब ध्यान से ज़रा देखो, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वह कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल हो, इमेज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कौन कौन सा यहाँ पे पैरेलल है ध्यान से देखें अगर, तो कौन कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट इज पैरेलल। अब देखो यहाँ पे, देखो ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में कौन कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वह पैरेलल होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। बोलो क्या यहां पर जो ये वाई डायरेक्शन में है वह तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक्स और वाई वाला, जेड वाला, ये एक्स वाला और ये जेड वाला, ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वह पैरेलल होंगे मिरर के, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हम लिखेंगे, जो कंपोनेंट वेलोसिटी है कौन कौन सी, माइनस टू आई, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस टू आई, और कौन सा है, जेड वाला, तो ये प्लस फोर के, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इतने से ही अगर ऑप्शन मारना हो तो हमको इतने से ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो माइनस टू आई और फोर के इसमें दिया हुआ है और कहीं भी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मिरर के पैरेलल हैं, इसलिए इमेज की वेलोसिटी भी वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अगर ऑप्शन मारना हो तो ये तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है वाई कंपोनेंट क्या परपेंडिकुलर टू द मिरर है, यस। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है, वाई 5 दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन इज पॉजिटिव 5 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस फोर, इधर देखो -4 है तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा 14। तो ये किस डायरेक्शन में है, 14, ये वाई डायरेक्शन में है, प्लस आया है क्या, यस, तो ये +14 जे हो जाएगा। देखो यही ऑप्शन आएगा, तो यही, ये बस इस क्वेश्चन में ये देखना चाह रहा था कि आप पैरेलल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करें। देयर आर 2 प्लेन मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग ईच अदर, बोथ द मिरर्स आर मूविंग विथ स्पीड वी अवे फ्रॉम ईच अदर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर, the velocity of the image from due to the velocity of image due to nth reflection will be, nth reflection की वजह से। ये question जो है अगर हम देखें तो ये पता होना चाहिए कि 2 parallel mirror रखे हुए हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, कि इसमें जो है यहाँ पर object रख दिया, ये object है, in between रख दिया, है ना। अब बोल रहा है कि ये भी जो है मिरर वी स्पीड से चल रहा है और ये इधर जा, दोनों मूविंग अवे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं विथ वेलोसिटी वी, ये मिरर भी उधर जा रहा है, इधर भी ये जा रहा है। अब मान लो कि होगा क्या, एनथ रिफ्लेक्शन से बोल रहा है, तो अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर इमेज बनाना हो तो इससे इमेज बनाए अगर, तो देखो
एक ऑब्जेक्ट, इसका इमेज, इस मिरर से इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे मान लेते हैं ये पहला इमेज, कितने बनेंगे टोटल? नंबर ऑफ इनफाइनाइट इमेज बनेंगे, है ना? द नंबर ऑफ इमेज विल बी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखो, ये पहला इमेज जो बनेगा यहाँ से रे गई और रिफ्लेक्टेड रे क्या यहाँ पे ऐसे आ जाएगी? यस, यह रिफ्लेक्टेड रे जो इस मिरर पे आ रही है वह कहाँ से आती हुई लग रही है? V1 से। देन V1 इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, दिस मिरर, है ना? और इसलिए अब इसकी दूरी इस मिरर से कितनी है तो उसको हम बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं V2 बनेगा और यहाँ से फिर यह रे क्या होगी? इस पर इंसिडेंट करेगी, है ना? तो फिर इसका इमेज जो बनेगा तो V2 जो होगा, अब देखो यह रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जा रही है? इस पे। तो यह रिफ्लेक्टेड रे जब इस पे जा रही है कहाँ से आती आ रही है? V2 से। इसका मतलब कि V2 जो होगा दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1, है ना? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से इनफाइनाइट इमेज तो बनेंगे, है ना? तो यहाँ पर V1, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फिर V3 बनेगा। V3 जो होगा अब ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए? V4 के लिए, है ना? तो ऐसे इमेज बनते चले जाएंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पर इमेज अगर निकालना हो तो V1 हमको निकालना हो कि V1 नहीं, ये V1 नहीं, यहाँ पर I1 लिखें, ये I1 लिख लें, ये I3 हो गया, ये I2 हो गया, ये I4 हो गया, इस तरह से। तो अगर हमको यहाँ पर ये निकालना हो, अब सिंपली हम I1 के लिए सोचें, तो I1 की वेलोसिटी कितनी होगी? V I1, क्या V I1 जो है पहले रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज है? यस। यह यहाँ पर देखें, क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं। क्या मिरर मूव कर रहा है? यस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस। तो 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इज V एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2V। तो V1 कितना आ गया? तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि V1 बराबर आ गया 2V। अब फिर यहाँ पर देखें, अब सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या यहाँ पे हो रहा है? यस। सेकेंड रिफ्लेक्शन से बनने वाला इमेज क्या I2 यहाँ पे है? यस। क्या I2 जो यह बना है उसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है? हाँ, बोलो। तो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर द इमेज विच इज फॉर्म ड्यू टू सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर I2 जो है, उस I2 को हम, अगर हमको इसको निकालना है कि V I2 कितना होगा, तो V I2 लिख लेते हैं यहाँ पे। V I1 है और V I2 लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ I2। ये हम क्या लिखेंगे? 2 times वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? ध्यान से देखो, यह किससे बना? इससे। बोलो, बन रहा है ना? इससे, इस मिरर से बन रहा है ना? यह इमेज किससे बन रहा है? इस मिरर से, क्योंकि रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है। और यह मिरर जो है कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी से। क्या निगेटिव डायरेक्शन में है? यस। तो क्या माइनस भी लिखेंगे? हाँ, होगा कि ना? और उस वहां पर जो है यह किधर जा रहा था? प्लस दिखा रहा था, तो ये जो हो जाएगा, ये इधर 2V से जा रहा था। तो ऑब्जेक्ट जो है 2V से जा रहा है, इमेज जो है V से इधर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 times माइनस V माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कितना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2V। देखो कितना आया है, देखो कितना है, 2V। I1 ऑब्जेक्ट है ना इसके लिए? यस। तो यहाँ पर जो है हमने लिख लिया 2V। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 4 times V। यानी कि यह जो इमेज बना, कौन? ये I2 जो है माइनस 4 times V, यानी कि
इधर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 4v, माइनस साइन का मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इधर मूव कर रहा है 4v। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए, मतलब उस i3 इमेज के लिए, है ना। तो i3 थर्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि हम अगर vi3 निकालें, vi3 अगर कैलकुलेट करें, तो vi3 हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब इसके लिए मिरर कौन है, इसके लिए अब मिरर तो ये है ना, इससे बन रहा है ना i3, तो ये लिख लिए, तो ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स वी, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, i3 के लिए कौन ऑब्जेक्ट है, i3 के लिए कौन ऑब्जेक्ट है, i2। ये कितना मूव कर रहा है, 4v, क्या निगेटिव है, यस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 4v, तो ये कितना हो जाएगा, 6v के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो vi4 जो होगा, जो चौथा इमेज बनेगा, वह -8v के बराबर होगा। तो ये फोर्थ का मतलब फोर्थ रिफ्लेक्शन से, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू nth रिफ्लेक्शन, उसकी स्पीड जो होगी, यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की नहीं, स्पीड जो होगी, क्या यहाँ पर देखो, अगर i2 है तो 4 है, i3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, तो n है तो क्या आना चाहिए, 2nv, क्या आएगा, 2nv, यस। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ये 2nv हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करें, नाउ मूव ऑन दिस क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट है विच इज एट ओरिजिन एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। अ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ ऑफ 2 मीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो 2 मीटर का ये तो लेंथ है मिरर का, और एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी रखा हुआ है, 3 मीटर, और डिस्टेंस 10 मीटर रखा हुआ है, कहाँ से 10 मीटर कहाँ से है, वाई एक्सिस से। टाइम फॉर विच एन ऑब्जर्वर पोजिशनड एट, देखो पोजिशन बोल रहा है कि ऑब्जर्वर जो है 11, -1, 11, -1, 11 कहाँ पे होगा, देखो 11 की अगर बात करें तो ये 10 है, ये कितना है, ये कितना है 10, और ये 2 मीटर है, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ये कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट होगा, 11 होगा। तो ऑब्जर्वर जो है एक्स एक्सिस पर कहाँ पे है, 11 पे, और वाई एक्सिस पे बोल रहा है -1 पे, यानी कि ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, जिसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है कि 11, -1 है। अब बोल रहा है कि टाइम फॉर विच एन ऑब्जर्वर पोजिशनड एट दिस विल सी द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। वह कितनी देर तक, यह ऑब्जर्वर कितनी देर तक इस, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को देख पाएगा। चलिए बनाइए इसको, कैलकुलेट करें इसको, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको करें। मैंने पिछली क्लास में फील्ड ऑफ व्यू की बात करी थी। फील्ड ऑफ व्यू वह रीज़न है जहाँ पे कोई ऑब्जर्वर किसी इमेज को देख सकता है, उस रीजन से बियॉन्ड हम इमेज को देख नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर हमको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो ये जो है इमेज जो है या ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है,
तो फील्ड ऑफ व्यू अगर हमें बनाना है तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, अगर बनाए तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? ध्यान से देखो इसको, क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू? है ना, यहाँ पे एक्सट्रीम रेज ले लेते हैं और यह रेज होंगी फिर रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, होगी ना। ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये जो रीजन है, मतलब ऑब्जर्वर जो है इमेज को यहाँ से, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसके इमेज को इस रीजन में देख सकता है, इस रीजन में देख सकता है। अगर हमको, देखो ये स्पीड दिया हुआ है, अगर ये लेंथ हमको पता चल जाए, क्या पता चल जाए, लेंथ, तो लेंथ पता चल जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहां से लेकर के ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस, क्या यह दोनों डिस्टेंस जो है ये यहां से लेकर के यहां तक, ये तो हमको पता है ये कितना होगा, 2 मीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर ये 2 मीटर है और मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, बोलो। ये डिस्टेंस अगर मान लो कि x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मिड पॉइंट पे है ना ऑब्जर्वर, तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, है ना। तो क्या इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, कितना होगा, What will be the value of x? इसको कैलकुलेट करें, बोलो। अच्छा ये थीटा है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा ही तो होगी। तो इस ट्रायंगल में देखो ना, इस ट्रायंगल में टेन थीटा बराबर कितना लिख सकते हो, ये 1 है और ये कितना है, 3 है, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। और इसमें अब आ जाते हैं, यहाँ पर जब टेन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई टू, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स बाई टू, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3, तो ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, देयरफॉर 2x विल बी इक्वल्स टू 4/3। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, टोटल डिस्टेंस ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, और 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू जो है वह आ गई 4/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3, मैं सही तो लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इतना सही तो है।
देखो लो, देख लो कहीं कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन पार्ट में। हो गया, तो ये कितना टोटल 10/3 हो गया, तो 10/3 हो गया तो ये टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो टाइम जो होगा वह कितना होगा, 10/3 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, और ये वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 20/3 सेकेंड। देखो कहीं पे कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा है क्या, 11-1 है, यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर ये कितना है, ये 1 होगा, ये मिड पॉइंट है, ये कितना होगा इस ट्रायंगल में 1/3 होगा ना, और ये सिमिलर ट्रायंगल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा x बराबर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x बराबर कितना 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 2x बराबर, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो हमको पता है ये 2 है और ये x और ये x 2x, तो कुल मिलाकर के डिस्टेंस जो है 2x प्लस तो 4/3, अच्छा ये 3 मीटर है, सॉरी ये 3 मीटर है, तो इसको यहाँ पर सुधार लो, 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा ना, अरे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 1 है तो 4 हो जाएगा ना, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, सॉरी x बराबर आ जाएगा 0.5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको सुधार लो, ये कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 3, एंड देयरफॉर टाइम विल इक्वल टू, अब तो सही है 3/0.5, ये कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा 6 सेकेंड, हाँ tan थीटा बराबर 1/4। टोटल लेंथ 3+1 होगा, ये देखो ना ये कितना है 2 है ना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 2, समझ में आ रही बात, यहां से लेकर यहां तक कितना है 2 है, और x की वैल्यू कितनी आई 0.5, कितनी आ गई 0.5, अब सही है ना, चलो ठीक है, चलो इसको करो, इस क्वेश्चन को, स्फेरिकल मिरर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्फेरिकल मिरर को अगर हम बनाएं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसका एक सरफेस जो है यहाँ से कट करके और ये क्या कर देते हैं सिल्वरिंग कर देते हैं, है ना, और ये कट करके बाहर निकाल लें, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अच्छा मिडिल पॉइंट, सिंपली जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम पोल ले लेते हैं, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाने वाली लाइन जो हो जाती है उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है।
इतनी बातें जो हैं हम सीखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये अगर कॉनकेव मिरर है और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर है, और यहाँ पर अगर पोल ले लिए तो पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब अगर मान लो कि यहाँ से एक रे जो है, एक रे जो है दैट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो जब यह रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ पे कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कट करती है, हमें याद रखना है कि यह प्रिंसिपल एक्सिस पर r माइनस r बाई टू sec थीटा पर कट करती है, पोल से उस पॉइंट की दूरी जहां पर रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वह कितना होता है, r माइनस r बाई टू sec थीटा। अब इसमें दो बातें हैं, दो बातें क्या हैं, एक को हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेस, क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेस, और दूसरा जो होता है मार्जिनल रेस, क्या चीज, मार्जिनल रेस। मान लो कि ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर हो गया, है ना, ये पोल हो गया, एक रे जो है वह मूव कर रही है यहां पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, क्या नॉर्मल वो होगा जो सेंटर से पास करे, ये नॉर्मल लाइन है। तो अगर नॉर्मल लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा है, क्या थीटा बहुत ज्यादा है, नहीं। तो ऐसी रेस के लिए जिसका इंसिडेंट एंगल थीटा जो है अगर स्मॉल है तो हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेस। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल फॉर एनी रे दैट रे विल बी नोन एज पैरेक्सियल रेस, या ये थीटा स्मॉल कब होगा, जब यह रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोजर होगी, या हम बोल सकते हैं कि रे विल बी क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर देखो, दूसरा रे ले लेते हैं, ये वाली रे, ये रे देखो, अब यहां पर जो है ये नॉर्मल होगा, अब यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा वन, अब यह थीटा जो है बड़ा एंगल है, तो थीटा जो बड़ा एंगल है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस, क्या बोल देते हैं, मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेस, ठीक है। अब जरा इसको देखो एक मिनट, मैंने यहां पर क्या बोला कि पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या है, पैरेलल है, तो यह रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर देखें अगर तो ये नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पर जहां इंसिडेंट कर रही है ये नॉर्मल होगा, और ये एंगल क्या है, थीटा, है ना। तो कोई भी रे, हमको याद रखना है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पोल से r माइनस r बाई टू sec थीटा के पर कट करेगी। अब यहां पर अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, दिस इंप्लाइज दैट रेज जो होंगे आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल, रेज पैरेक्सियल होंगे, और रेज पैरेक्सियल होंगे तो sec थीटा की वैल्यू जो होगी, sec थीटा की वैल्यू वह किसके बराबर हो जाती है, अप्रॉक्सीमेट वन के बराबर हो जाती है। ये तो सबको मालूम है, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू वन। और जब ऐसा है तो यहां पर हम मान लो कि ये c है, ये n है, तो pn, therefore pn will be equals to
आर माइनस आर बाई टू इक्वल्स टू आर बाई टू, आर बाई टू। तो अब यहां पर जो है इस चीज को समझो कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई पैरेक्सियल रेस, पैरेक्सियल मतलब अब ये जो जहां पर इंसिडेंट कर रही है उसके लिए थीटा क्या है, स्मॉल है, और ऐसी रे अगर इंसिडेंट कर रही है तो यह जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर r बाई टू डिस्टेंस पर कट करेगी, कहां पे, r बाई टू पे। और यह रे कैसी है, पैरेक्सियल रेस, कैसी रेस है, पैरेक्सियल रेस, समझ में आई बात। और वह पॉइंट जो कि पोल से r बाई टू डिस्टेंस पर है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो हम मार्जिनल रेस के लिए याद रखें, और चूंकि हमको जो है जनरली 99% केसेस में हमको पैरेक्सियल रेस से बात की जाती है ना, लेकिन जेई की बात ही क्या है, वह तो 1% से ही क्वेश्चन पूछता है ना। तो उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमको बात करनी होती है। तो याद रखना है कि जब पैरेक्सियल रेस होगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तब वह प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस पर मिलेगी। अगर यह रे मार्जिनल है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके लिए बड़ा है तब यह जो डिस्टेंस होता है वह r माइनस आर बाई टू sec थीटा के बराबर होता है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन। लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी इज द रिफ्लेक्टेड बाई, ये जो है ए बी इज द रे विच इज रिफ्लेक्टेड, ये ए बी जो है रिफ्लेक्टेड है। तो कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर है तो उससे कितनी दूरी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बी पॉइंट की दूरी यानी कि सी बी अपॉन सी एफ कितना होगा, फाइंड आउट। देखो जो रे इंसिडेंट हो रही है उसकी हाइट दी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस से और बोल रहा है कि यह फोकस के बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है, किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर। हाइट जो है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, देन व्हाट विल बी द दिस रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बी अपॉन सी एफ हमको निकालना है। अब यहाँ पर जरा गौर करो, अभी हमने बात करी, जरा ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ये, तो अगर हम उस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, तो ये एंगल जो होगा क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा के बराबर होगा, बोलो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। अच्छा ये अगर डिस्टेंस ये अगर देखें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर है और ये क्या है पोल है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा आर के बराबर, और आर बराबर कितना होगा 2f, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस ये 2f के बराबर है। तो क्या थीटा की वैल्यू बता सकते हैं कि थीटा कितना होगा, अब ये ट्रायंगल देख लो ये वाला, अब इस ट्रायंगल में देखो ये वाला ट्रायंगल, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी है ना,
और ये जो डिस्टेंस है कितना है एफ है, तो टेन थीटा बराबर एफ बाई टू एफ होगा ना, एफ बाई टू एफ, तो एफ और एफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि वन बाई टू के आसपास आ जाएगा, टेन थीटा बराबर वन बाई टू। अच्छा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि यह फोकस पे मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, अब मान लो कि कहीं फोकस जो है यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कहीं, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फोकस ले लो, तो ये डिस्टेंस जो है कितना हम लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ये कौन सा डिस्टेंस है, पी बी मतलब वह पॉइंट का दूरी पोल से जहां पर रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, तो r माइनस आर बाई टू सेक थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो r माइनस आर बाई टू सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू वन बाई टू है, तो एक ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है तो ये वन होगा, तो ये कितना होगा टू, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये कितना हो जाएगा फोर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब फाइव, यानी कि कुल मिला करके या सेक थीटा की वैल्यू देखें तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा बराबर कितना होगा रूट फाइव बाई टू, रूट फाइव बाई टू होगा ना, रूट फाइव बाई टू। तो ये डिस्टेंस लिख लो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है टू एफ माइनस एफ सेक थीटा की वैल्यू रूट फाइव बाई टू, यानी इसको ऐसे लिख लो रूट फाइव एफ बाई टू। तो ये वाला डिस्टेंस मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, हमको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये तो r बाई टू होगा, ये कौन सा डिस्टेंस है फोकस वाला, और ये जो है b पॉइंट है, cb कितना है, cb यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये दूरी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी आई इतनी, और पूरी दूरी कितनी है 2f, तो हम इसको लिखेंगे 2f माइनस 2f प्लस रूट फाइव एफ बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि CB जो आया, CF जो आया CF जो आया मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की दूरी जो होगी वह r बाई टू होगी, और CB जो आ रहा है वह रूट फाइव, और r बाई टू का मतलब ये कितना हो जाएगा f के बराबर, और ये कितना हो जाएगा रूट फाइव एफ बाई टू। देख लो कितना हो जाएगा रूट फाइव एफ बाई टू होगा ना, ये आया है ना ये दूरी, और ये दूरी कौन सी है ये वाली, तो कितना आ जाएगा सी बी बाई सी एफ निकालना है, तो सी बी बाई सी एफ जो होगा वह कितना हो जाएगा, ध्यान से यहां से देखो सी बी कितना है रूट फाइव एफ बाई टू और बाई एफ, बाई एफ तो एफ कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, एफ और एफ कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा रूट फाइव एफ बाई टू। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये रूट थ्री बाई टू की जगह पे रूट फाइव कर लेना है ना, तो ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन और जो है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको ट्राई करके आएंगे है ना, मैं इसको एक बार स्लाइड को पॉज कर करके आप लोग जो है इसको करके आएंगे, ठीक है।
चलिए इतना क्वेश्चन जो है आप करके आएंगे और कल स्फेरिकल मिरर जो है नेक्स्ट क्लास में, मतलब हमारी कल क्लास होगी तो उसमें स्फेरिकल मिरर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।